الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير عزيزي طلبة أجهم हसमेंट कोर्स जो आपकी सेमिस्टर छ में है जिसका नाम है बेसिक अरबिक ट्रांसलेशन एंड राइटिंग स्किल इसका यूनिट नंबर चार हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर चार यूनिट फोर इसका क्या है कंपोजिशन इस कंपोजिशन में आपके ये कलस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का सिलेबस है इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं एक तो है अलह और दूसरा है मदरसती आज हम अल्कि पढ़ते हैं दो कंपोशन इसमें आपको पढ़ने हैं इनमें आपको इनकी इसका इस कंपोशन को सही तरीके से पढ़ने का जो है वो भी आना चाहिए तरीका भी आना चाहिए और इसमें जो अल्फ़ाज मुश्किल अल्फाज, अल्फाज हैं उनके माने भी आने चा, आना चाहिए और इसका क्रैक्स भी आना चाहिए कि आप लोग जो है आज जो कम्पोज पढ़ रहे हैं इसको आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं ताकि कल आप खुद अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं लिख सकें तो आइए हम शुरू करते हैं बिसमीम अल रीडिंग अलॉत रीडिंग यानी पढ़ना पढ़ाई इंसान एक माशरे की हवान है यानी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मैन इज़ ए सोशल एनिमल इंसान को एनिमल या सोशल एनिमल जो कहा गया ये तो आ, ग्रीक फिलासफर है अरस्तो अरिस्टोटल कि उनकी एक मशहूर मशहूर मकोला है उनका कि इंसान एक अजतमाई या सोशल एनिमल है इसमें दो चीज़ें हैं एक यानी सोशल जो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता और दूसरा ये कि वो हिवान है इन दोनों चीज़ों के बारे में हमारे जो है हमारा अकीदा जो है हमारा नजरिया जो है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसान सोशल है इंसान सोशल है सोशल तो है इंसान इसमें कोई कोई कबाहत इसमें कोई कोई मतलब कोई इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि कुछ उलमा कहते हैं कि जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इन हुमा खलक इनना खलकनाकुम मिन ज़कारिय्य व उनसा व जअलनाकुम व कबीला लितुआरफू मैंने आपको शूब में बना दिया ये पहले एक मारद और एक खातून से आपको बना दिया और फिर आपको कबीले बना दिए आपके आपके आपकी कौमें बना दी ठीक है तो इसका मतलब ये कि इंसान बाजा यानी तब तबी तौर नेचुरली इंसान इंकलाइन होता है इज्तम की तरफ सोसाइटी की तरफ मुआशरे की तरफ इंसान तन्हाई की जिंदगी पसंद नहीं करता इंसान तनहा जिंद, जिंदा नहीं रह सकता है हज़रत आदम के बारे में भी आया है कि हज़रत आदम को जब पैदा के तो उस पैदा किया गया तो अकेला था वो एक तरफ तो उसका रब था दूसरी तरफ उसकी यानी दूसरी मखलूक थी जो फरिश्ते थे तो हजरत आदम के को उसी जिनस में से अब उसका जोड़ा दिया गया तो इसका मतलब कि नेचुरल इंक्लाइनेशन है ये इंसान में सोसाइटी के ये तो इसमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वान के बारे में आप याद रखिए हिवान के बारे बेशक हवान के साइवानों के साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसी खाने पीने की चीज़ें खाने पीने के आदात या खाने पीने की जो हमारी ये है आ, हमारा जो है मतलब एक एक निज़ाम है हम भी खाते पीते हैं और वो भी खाते पीते हैं और जिनसी गरीजा जो है इसको हम बायोलॉजी कहेंगे या सेक्सुअल डिजायर कहेंगे रिप्रोडक्शन कहें तो वो भी उनमें उनमें भी है हम में भी है इस तरह कई चीज़ें हम में और उनमें मुश्तरक हैं अगर उस एतबार से कहेंगे बात करेंगे तो यकीन ये बात करनी पड़ेगी कि इंसानों और हवानों के दरमियान कई चीजें सेम है कई चीजें यकसा है लेकिन उसका मतलब ये कतअन नहीं है कि इंसान हैवान है बल्कि इंसानों और हैवानों के दरमियान एक एक एक, एक फ़र्क है एक डिफरेंस है उस डिफरेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो डिफरेंस है शोर की वो डिफरेंस है गोयाई की इंसान बात करता है एक इंसान दस जबान सीख पाता है बोल पाता है उनमें लिख पाता है उनमें अपने आप माफी जमीर को अदा कर पाता है जबकि हवान में यह सलाहत नहीं है इंसान को अल्लाह ताला ने बयान सिखाया और इंसान को अल्लाह ताला ने शूर दे दिया कि इन्सान, इन्सान जो है, है, तो वो, वो है खासकर उसको उस हद तक और दूसरी चीज इंसान को शहूरी गया है इंसान अपने आप के बारे में भी सोचता है कायनत के बारे में भी सोचता है इंसान को अपने वजूद के का मुद्दा और मकसद उसके बारे में सोचने का मलिका अल्लाह ने तता किया है तो इस एतबार से जब देखें तो हमारे और हैवानों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है इसलिए अलसान उनके बजाय अगर हम ये कहेंगे अल इंसान मखलूक उनजमायजमाय तो वो ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है वो ज्यादा करीन कया से वो ज्यादा ज्यादा सही बात है बहरहाल तो यहाँ कहते हैं कहता है ऑथर अल इंसानु इंसान अल इंसान इज्तम इंसान एक सोशल एनिमल है मैं इस इस बात को सिर्फ तर्जुमे तक महदूद रखना चाहता हूँ और जो जो फिक्री बात है वो मैंने आपको समझा दी वह अजीब और उसको चाहिए वजह यजीब वाजिब होना ओब्लीगेटरी होना नेसेसरी होना है ही मस्ट वजब अल ही, ही मस्ट वजबा के साथ अला भी आता है यजिब अल ही या जैसे आप कहेंगे यू मस्ट गो यजिब अल का अंत आपको जाना चाहिए इस तरह यहाँ वह अजीब अल और उसको चाहिए या कि वो पढ़े कसीरन बहुत कि वो बहुत पढ़े कि वो बहुत पढ़े वह यूरवी अपने अकल को सैराब करे व ख्याल और अपने ख्याल को बिल अफकार बिल अफकार अच्छी अच्छी फिक्र से अच्छे अच्छे ख्या अफकार से सारे अफकार से अपने अकल को परवान चढ़ाए अपने ख्याल को बुलंदी अता करे वाल उलूम और 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 दिलचस्प से नयर असल में कहते हैं शाइनिंग ब्राइट बीमिंग है, शाइनिंग साइनसेस यानी मतलब ये है कि जो जो शोलूम जो है जो जदीद हो या कदीम उलूम, जो भी फायदे मंदूम है उनसे इंसान को अपनी अकल को क्या करना चाहिए अपनी अकल को मनवर करना चाहिए अपनी अपनी अकल को परवान चढ़ाना चाहिए बालिद ही अता करना कर, कर, करना चाहिए अल पढ़ाई जो है नाफियन, ये एक नफा बखश अमल है अमलफन मास नफा बखश अमल है नतमतउ बिह हम इससे एंजॉय करते हैं यानी हम पढ़ाई को एंजॉय करते हैं नतमत तमत तय तमतू मिनस्तमतू करना एंजॉय करना या टू तो टेक प्लेजर इन डूइंग समथिंग ये रीडिंग एक ऐसी चीज है जिसे हम एंजॉय करते हैं हम इसमें हमें इसमें मजा आता है हम इससे फायदा बराबर होते, होते हैं वरस्तफीद मिनहु और उससे फायदा उठाते हैं

तारीफ की है फसा सा बनिया हो तो उसकी बुनियानों को बुनियान बुन्याद, उसकी बुनियादों को मजबूत कर दिया फादस बुनियाना हो उसकी बुनियाद उसको फाउंड कर दिया यानी एलिम को एलिम की एलिम की बिना डाल दी इस्लाम एक ऐसा दिन है जिसने इलम की बिना डाल दी इसने इलिम की बुनियाद डाल दी वो अला और इसके मीनारे को बुलंद कर दिया यानी इल्म के मीनारे को बुलंद कर दिया आला आला यूली इला उन मींस बुलंद करना उसके मीनारों को बुलंद कर दिया वह हसबका का अकेले काफी है भाई यह बात अंतकुना अल आयत الاولى من القران الكريم की पहली आयत है जो कुरान करीम की हैं, यानी जो नाजिल हो गई नजुली तरतीब के से जो पहली आयतें हैं की वो क्या है वो इसी तालीम की तरफ इशारा करते हैं एक का, अपनी रब के नाम से खलक, जिसने पैदा किया खलक अल इंसान जिसने इंसान को पैदा किया मेन अलग मेन अलग लीच लाइक से है लीच लाइक अलग से पैदा किया एक पडो रब्बुकल अकरम रअकरब बड़ा करीम है अल्लजी जिसने अलमा बिल कलम कलम से सिखाया कलम से इल्म अता किया कलम के जरिए से सिखाया अलमल इंसान मालम यालम इंसान को वो इल्म अता किया या वो इल्म सिखाया जो इंसान नहीं जानता था जो इंसान नहीं जानता यानी इंसान के बस में ये बात नहीं थी वो इंसान नहीं जानता था तो उसको ये बातें अल्लाह तबारक वाली ने सिखाई है अल इंसान इंसान जो है कुतुब अल मुफीद है जो मुफीद किताबें पढ़ता है यानी वो इंसान जो मुफीद किताबें पढ़ता है या कराओ पढ़ता है अल कुतुब अल मुफीद है जो मुफीद किताबें पढ़ता है अल कुतुब जमा है किताब की तो इसकी चूंकि जमा गैर आके इसलिए इसकी सिफत आ गई वाहिद मोनस अल्कुतुब, अल्कुतुब अल्कुतुब जो मुफीद है। है। जमा करता है। अपने, अपने, अपने अपने में सीमेंट लेता है मीनालू लूई मोती।, मोती को मीनालू लोई लुअन इसकी जमा आती है लूलू मीन मोती मोतियों को जमा करता है किन मोतियों को मिन अलमरीफती वल المعلومات वल हिकमत हिकमत के मोतियों को इलम के मोतियों को المعلومات के मोतियों को अपने अंदर सीमित लेता है वयकूदुल मुज्तमा और अपनी और माशरे को माशरे की कयादत करता है माशरे को ले जाता है कहाँ इला आला दराजात बुलंद दर्जों की तरफ या बुलंद दर्जों की तरफ कल्चर यानी सकाफत के अला दर्जों की तरफ व नहत अलफिक्रे और फिक्री फिक्री फिक्रीनिंग जिसको हम कहेंगे नहजा मीनस बेदारी फिक्री बेदारी जो है उसकी उसके अला दर्जों की तरफ उसकी क्यादत करता है वहाजा और ये हैं या दुल्लु अल यानी सिर्फ यही चीज़ की एक पढ़ा लिखा आदमी ही अपनी सोसाइटी को अपने माशरे को बुलंद दर्जा तक यानी बुलंद आला मंजिलों की तरफ सकाफत कल्चर तहजीब डेवलपमेंट के आला दर्जों की तरफ ले जा सकता है सिर्फ ही वहाजा और यही चीज जो है यदुल यही दलालत करता है कि इस पर अहमियत फी हयातान इंसान की जिंदगी में पढ़ने की अहमियत जो है उस पर दलालत करता यही इंसान पढ़ा पढ़ा लिखा इंसान ही अपने घर को या अपनी सोसाइटी को बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है लाबुद्दी लाबुद्दी मीनस ये काम हम कहते हैं लाबुद्दी छे मीनस लाबुद्दी मीनस लाबुद्धा इसके बगैर इट इज इट इज इट इजेबल इट इज हम इसके बगैर नहीं कर सकते यार हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते वाला बुद्धा लेना हमारे लिए जरूरी है वही मस्त क्या अनुशज्जिया शज्जिया युशज्जिओ तशजीन मेंनस इनकरेज करना हौसला अफजाई करना हाँ हौसला बढ़ाना अनुशज्जिया हम हौसला बढ़ाएं औलादना अपने औला अपने बच्चों का हौसला बढ़ाए वा बनाते ना और बच्चियों का हौसला बढ़ाएं अल अल मुफीद स्टडी करने पर उनको उनको जो है उकसाएं उनको इनकरेज करें कि वो एक बेनिफिशियल स्टडी करें वो एक एक एक, 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 एक फायदा मंद अः जो है आ, पढ़ाई करें ताकि ता यहाँ तक ता के ताकि क्या नक देरा नक

एक सिविलाइज एक, एक 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 जनरेशन बनाए हम महजब और तहजीब याफ्ता नस्ल पैदा कर सकें जिसमें जिसमें पॉजिटिव ख्याल हों पॉजिटिव तस्वरत हों पॉजिटिव परसपन्स हों जिसका जिसका जिसके जिसकी जिसकी जो 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 पॉजिटिविटी जो से मामूर हो जिनके ख्याल में जिनके अवकार में जिनकी सोच में जिनके जिनके जिसमें क्या नाम है आ, 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 क्या बोलते हैं इसको बिहेवियर में पॉजिटिविटी हो है वो अंदाज में सोच रहे हैं और पॉजिटिव अवकार से ही हम वो पॉजिटिव अवकार से लिबरेज एक 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 एक, एक नस्ल पैदा कर सकें कि राहतुल कुतुबी रही आम किताबों की बात आम किताबों की पढ़ाई जैसे न, 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 ये होते हैं जिसको हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल नावल्स या जुबान की किताबें हैं या और और कुछ किताबें तो वो क्या फ़ायदा देती हैं तो फीद उलबा मारी हो तो वो मार्फत में उसको फ़ायदा देती हैं वो एलिम में बढ़ा दे उसके एलिफ में मार्फत में वसत पैदा पैदा करती हैं वह तो वह तो वसी हो मैं और उसकी उसके उसमें ज़बानी मलिका जो है उसमें बढ़ा देते हैं उसमें वसत पैदा करते हैं उसको वाइडन कर देते हैं वह तो वसी मदारी कहू अलगविया यानी उसमें जो जबान, जबान का जो मलिका पैदा होता है जबान पे जो उस दस्तरस उसको हासिल हो जाती है और उसमें उसमें उसमें, उसमें आ, ये किताबें आम किताबें पढ़ने से उसको जबान पर एक एक अबूर पैदा हो जाता है कमा अन्ना और इसी तरह क्या और इसी तरह से जब आप किताबों को पढ़ते हैं तो इससे एक ताउन बाहिमी ताउन और बाहिमी की का मलका पैदा हो जाता है यानी जिस सोसाइटी में लोग पढ़े लिखे हों वही सोसाइटी महजब होती है वही अपने मसले महजब तरीके से सुलझाते हैं वही अपनी जिंदगी के मुश्किलों को महजब तरीके से हल निकाल पाते हैं जहल्ला तो कुछ नहीं करते हैं लड़ाई के बगैर उनको तो सिर्फ अगर आती है तो वो लड़ाई आती है गुंडागर्दी आती है और गाली गलोच आता है लेकिन जो पढ़ा लिखा माशरा होता है पढ़े लिखे माशरे में वो वो अपने मसाइल को बाहिमी ताउन व तफाहम के जरिए से उसको समझ समझते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं तफाहम मीन्स एक दूसरे को समझना तावुन मीन्स एक दूसरे के साथ ताउन करना मदद करना ठीक है शाबाश। अल किरातु हिवायतुन किरा जो है ये 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 एक एक हॉबी है एक पास टाइम है यानी एक तो वो किरा जो आप खुद अपना कैरियर बना बनाने की दूसरा वो एक 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 बीमारी सी पैदा हो गई है हमारी सोसाइटी में कि नौकरी हासिल हो गई तो फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, नहीं रहे हैं कि नहीं किरा ये तो है एक एक, एक बेहतरीन हॉबी है ये आपको एक ऐसा हॉबी है कि जो आपको जिंदगी भर साथ रहना चाहिए बल्कि मरते मरते दम तक अगर आपके इर्द गिर्द कुछ होना चाहिए तो वो किताब ही होनी चाहिए हवाई तो जमीलत है तो बहुत ही खूबसूरत हवाई है खूबसूरत हॉबी हाँ है वो ये जीबू और हमें हम पे वाजिब है हमारी जरूरी है अन्ना जरा जरा याद रो तो कल्टीवेट कि हम कल्टीवेट करें हाजी ही अल हवाई इस हॉबी हाँ को फी मुज्तमीना अल हदीस अपने नए माशरे में अपनी जो है हमारा हमें हमें इसमें एक सबसे एक बहुत बड़ा काम जो हमें करना है वो ये है कि हम अपने माशरे में पढ़ाई की तरफ लोगों का ध्यान जो है बढ़ाए एक तो वो है लिटरेसी दूसरा वो पढ़ाई की लोग नौकरियां हासिल करने के बाद या कोई जॉब या कोई बिजनेस शुरू करने के बाद भी पढ़ाई को ना छोड़ें बल्कि उसको कंटिन्यू करें ताकि मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़कर ताकि वो भी सोसाइटी को क्या नाम है आ, 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 सोसाइटी को बुलंदियों की तरफ ले जाने में मुआविन व मुमिद हो यहाँ पे हमारा आज का जो है कंपोजिशन है कम्प्लीट होता है तो इसमें जो मुख्तलिफ़ ये अल्फ़ाज़ हैं उनका उनकी उनकी माना वगैरह मैं इनशा अलग से आपको दे दूँगा तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है नए लेक्चर में इन शह दूसरा कम्पोजन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मदरस है तब तक के लिए खुदा हाफ असल वरम् वक्त